नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर का। सबसे पहले रुख करने जा रहे हैं लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की अहम बैठक। आपको बता दें, रनवे विस्तार का जल्द शुरू होगा काम। लखनऊ एयरपोर्ट पर यह काम होना है। फायर स्टेशन की परियोजनाएं जल्द होंगी शुरू। देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल को भी पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें रनवे विस्तार को लेकर जल्द शुरू होने काम होगा, जिस पर चर्चा की गई है। आपको बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पर काम शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें, फायर स्टेशन की परियोजनाएं भी जल्द शुरू की जाएंगी, साथ ही देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएगी। वहीं एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल को भी पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। तो आज अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की अहम बैठक हुई। आपको बता दें कि जिसमें रनवे विस्तार का काम को लेकर चर्चा की गई है, साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। जैसे बताया गया है, लखनऊ एयरपोर्ट में जल्द काम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने भी शुरू की जाएगी। वहीं एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल को भी पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इसी बीच बड़ी खबर, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को होनी। आपको बता दें कि 5 अगस्त को परीक्षा के परिणाम आएंगे। वहीं 10 अगस्त से शुरू होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। 30 अगस्त से शुरू होगा बीएड का सत्र। कोरोना के कारण स्थगित हुई थी परीक्षाएं, जिसके बाद अब ये जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बीएड से जुड़ी बता रहे हैं, जहां बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी 18 जुलाई को, जिसके बाद 5 अगस्त को परीक्षा के परिणाम आएंगे। वहीं 10 अगस्त से ऑनलाइन काउंसलिंग को शुरू किया जाएगा, साथ ही 30 अगस्त से बीएड का सत्र भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना के कारण बीएड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद आज ये ऐलान किया गया है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को आयोजित होगी। आपको बता दें, 5 जुलाई को परीक्षा का परिणाम आएगा, जिसके बाद 10 अगस्त से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की जाएगी और 30 अगस्त से बीएड के पहले सत्र की शुरुआत की जाएगी। वहीं इसी बीच लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा के महामंत्री हैं। 21 और 22 जून को लखनऊ में रहेंगे बीएल संतोष। चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन। एक महीने में दूसरी बार लखनऊ आने वाले हैं बीएल संतोष। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको राजनीतिक गलियारों से बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा महामंत्री बीएल संतोष आने वाले हैं। आपको बता दें, आगामी 21 और 22 जून को लखनऊ में होंगे बीएल संतोष, जहां वो चुनाव की तैयारियों को लेकर नेताओं के साथ मंथन करने वाले हैं। आपको बता दें, एक महीने में दूसरी बार बीएल संतोष का लखनऊ आगमन होने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आने वाले हैं। 21 और 22 जून को वो चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे लखनऊ में। वहीं इसी बीच बिखरू कांड मामले में बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां विकास दुबे के चचेरे भाई शिवम पर कार्यवाही की गई है। आपको बता दें, शिवम दुबे पर एनएसए की कार्यवाही की गई है और डीएम ने एनएसए की फाइल पर अपनी मुहर लगा दी है। पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल बताया जा रहा था शिवम, जिसके बाद ये बड़ी कार्यवाही सामने आई है। तो इस वक्त आपको कानपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिखरू कांड मामले में बड़ी कार्यवाही देखी गई है, जहां विकास दुबे के चचेरे भाई पर एनएसए की कार्यवाही की गई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, इस बिखरू कांड में क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, सबसे पहली कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की एक आरोपी के ऊपर लगाया गया है, जिसका नाम शिवम दुबे उर्फ दलाल है। शिवम दुबे वही शख्स है जो मारे गए विकास दुबे का चचेरा भाई है, और साल 2020 2 जुलाई में बिकरू गांव में पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, जिसमें देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शामिल थे। इसके बाद पुलिस का जब दौर चला, उसमें विकास दुबे और उसके 6 साथी एनकाउंटर मारे गए थे, और 40 से ज्यादा आरोपी अभी भी जेल में बंद है, जिसमें शिवम दुबे विकास दुबे का चचेरा भाई है। और शिवम दुबे की तरफ से जैसे ही जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई, तब चौबेपुर इंस्पेक्टर कृष्णमोहन राय ने उनके खिलाफ एनएसए की जो प्रक्रिया है वो पूरी फाइल कर उच्च अधिकारियों को भेजी गई। लेकिन कल डीएम ने उनकी
फाइल पर मुहर लगा दी है और एनएसए की कार्रवाई के लिए संस्तुति जो है वो शासन को भेज दी है। अब एनएसए लगने के बाद शिवम दुबे एक साल तक जमानत नहीं पा सकेगा, अब उसको निचली अदालत से किसी भी तरीके से बेल नहीं मिलेगी, लिहाजा अगर बेल चाहिए तो हाईकोर्ट जाना होगा। तो पुलिस की ये पहली कार्रवाई है जिसमें, और पुलिस की एक पहली एनएसए की कार्रवाई है जिसमें 40 में से एक आरोपी और मेन अभियुक्त ये कहा जाएगा कि सबसे ज्यादा विकास दुबे का खासम और करीबी था जो उस पूरे हत्याकांड में शामिल था। तो पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, डीएम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई कही जाएगी कि कानपुर के बिकरोकांड के सबसे पहली जो कार्रवाई है वो एनएसए की हो चुकी है। जी, तो जिस तरीके से शिवा देखा गया है कि एक साल पहले ये मामला सामने आता है जिसके बाद अब जाकर इसके मुख्य आरोपी पर एनएसए की कार्यवाही की गई है, तो इतना लंबा वक्त कार्यवाही में क्यों लगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में जो चार्जशीट थी, चार्जशीट दाखिल करने के बाद लोगों के ऊपर जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी शख्स पर कोई भी रहम नहीं बरता चाहिए क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की उस पूरी गैंग ने हत्या की थी, ऐसे में कहीं ना कहीं जो अफसर हैं उनकी भी जवाबदेही है कि एक साल तक एनएसए की कार्रवाई कैसे नहीं हुई। जब विकास दुबे के साथी शिवम दुबे ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की उसके बाद ही पुलिस प्रशासन क्यों जागा, उसके बाद ही उस फाइल को कंप्लीट करके शासन स्तर पर क्यों भेजा गया, ये तमाम सवाल हैं और इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन पहली कार्रवाई हो चुकी है और ये कहा जाएगा देर जरूर हुई है लेकिन एनएसए की कार्रवाई को अब एक मोहर मिल गई है। अब एक साल तक शिवम दुबे को किसी भी तरीके से निचली अदालत से बेल नहीं मिल पाएगी, लिहाजा और लोगों के ऊपर एनएसए की जो कार्रवाई है वो पुलिस के अधिकारी धीरे धीरे आगे कर रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिखरू कांड से जुड़ी इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर हत्याकांड में शामिल शिवम दुबे पर एनएसए की कार्यवाही की गई है। वहीं इसी बीच गोरखपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां गोरखपुर से बलिया जाएंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं बलिया से सीएम वाराणसी भी रवाना होंगे, कार्यक्रमों के बाद वापस लौटेंगे लखनऊ। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां कोविड और नॉन कोविड वार्ड में बलिया और वाराणसी में निरीक्षण करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर का भी सीएम जायजा लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के बाद आज सीएम बलिया और वाराणसी दौरे पर है, जहां पहुंचकर वो कार्यक्रमों में शामिल होंगे और वापस लखनऊ लौटेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रमों में कोविड नॉन कोविड वार्ड और वैक्सीनेशन सेंटर में वो निरीक्षण करने वाले हैं। वही कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जहां कानपुर में दो पक्षों की लड़ाई में चली गोलियां, घटना में एक युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में युवक काशीराम अस्पताल रेफर, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कानपुर से बता रहे हैं जहां कानपुर में दो पक्षों की लड़ाई में गोलियां चली हैं। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में एक युवक को गोली लगी है, वही गंभीर हालत में युवक को काशीराम अस्पताल रेफर किया गया है, वही मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से जहां दो पक्षों की लड़ाई ने गंभीर रूप ले लिया, जहां एक युवक को गोली लगी है। वहीं इसी घटना पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गौरव, ये मारपीट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर कानपुर से वायरल हो रहा है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कानपुर की अगर बात की जाए तो एक तरीके से प्रशासन के लगाम लगता हुआ कमिश्नरेट हो गया, उसके बाद भी ये अपराध की घटनाओं पे लगाम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है, यहाँ पर दो पक्षों में आपस में लड़ाई होती है वर्चस्व लेकर के, और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है हाथ से लाठी डंडों से लड़ाई के बाद एक युवक तमंचा निकाल लेता है, तमंचा निकालने के बाद उससे जोश जोश में तमंचे को चला देता है, तमंचे को चलाने से युवक को गोली लग जाती है, गोली लगने के बाद उसको एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। प्राइवेट अस्पताल में युवक की हालत नाजुक होने के बाद उसको सरकारी अस्पताल में काशीराम अस्पताल में कानपुर के भर्ती कराया जाता है, जहां पर उसका युवक का इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस का इस मामले में कहना है कि अभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी, जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है ऐसे में एक युवक भी घायल बताए जा रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से क्या FIR वगैरह दर्ज की गई है?
बिल्कुल, पुलिस इस मामले में कह रही है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, टीम की तरफ से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जिस तरीके से बता दें, कानपुर में लगातार इस तरीके की घटनाएं निकल के आ रही है, क्राइम अपराध से बढ़ती हुई कमी लगे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अपराध की घटनाओं में उस तरीके से अंकुश कानपुर में अभी नहीं दिखता है फिलहाल। गौरव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कानपुर में लगातार ऐसी वारदातें सामने आती रहती हैं जहां पर खूनी संघर्ष आए दिन देखने को मिलता है, ऐसे में पुलिस इन सब वारदातों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? बिल्कुल, अब आपको बता दें, जिस तरीके से लंबे लंबे दावे तो किए जा रहे हैं कमिश्नरेट की ओर से, और लेकिन कोई भी मीडिया से उतना मुखातिब नहीं होना चाहता है, मीडिया के सामने नहीं आता। आईटी सेल की तरफ से बाइट जारी कर दी जाती है, जब इस मामले में बात की जाती है प्रशासन से, तो प्रशासन इस मामले में दावे कर देता है, पल्ला झाड़ देता है साफ तौर पे। वो कह देते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन हड़ताल है, उससे पहले आप देखेंगे कहीं लूट, हत्याएं, बलात्कार, वारदात, इस तरीके की घटनाएं कानपुर से लगातार निकल के आ रही है, लेकिन जो प्रशासन के दावे हैं वो कुछ अलग नजर आ रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां दो पक्षों में संघर्ष देखने को मिला है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक युवक को गोली लग गई है, जिसे गंभीर हालत में काशी राम हॉस्पिटल रेफर किया गया है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, जहां लखनऊ के इंदिरा नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। आपको बता दें, भूमाफिया अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कागजों में हेरफेर कर लोगों की जमीन पर ये कब्जा करता था। चिन्हट, इंदिरा नगर समेत कई थानों में तमाम मामले दर्ज है इस आरोपी पर, जिसके बाद आज लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, भूमाफिया अजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कागजों में हेरफेर कर ये लोगों की जमीन हड़प लिया करते थे। आपको बता दें कि आरोपी पर चिन्हट और इंदिरा नगर में कई थानों में मामले दर्ज है। तो इंदिरा नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब भूमाफिया अजीत सिंह को धर दबोचा गया है। वहीं लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चोरों के हौसले इस वक्त बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। जहां सिपाही के बंद घर को चोरों ने निशाना बना लिया है, जहां से सिपाही के घर से लाखों रुपए की चोरी की गई है, साथ ही सोने के गहनों पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। थाना गोमती नगर के खरगापुर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस का खौफ चोरों के अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि सिपाही के बंद घर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां सिपाही के घर से लाखों रुपए की चोरी की गई है, साथ ही सोने के गहनों की भी चोरी की गई है। ये पूरा मामला गोमती नगर के खरगापुर का बताया जा रहा है। वहीं इसी पूरे मामले पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, ये चोरी गोमती नगर विस्तार इलाके के खड़गापुर में हुई है, और ये बताया जा रहा है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट में तैनात सिपाही सतीश सिंह अपने पूरे परिवार के साथ 26 मई को अपने मूल पैतृक आवास गया था, और जब वो परसों घर लौट कर आया तो उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, घर का जो मेन डोर है वो टूटा हुआ पड़ा था। लगभग 7 लाख के जेवरात हैं और हजारों की नकदी है, जो चोर लेकर के फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे केस में मामला दर्ज कर लिया है, और आसपास के इलाकों में जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें उस समय की तलाश लोगों की कर रही है, जिस वक्त में वो चोर देखे गए होंगे। संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये पूरा मकान बंद था और आसपास बहुत ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे भी नहीं है, लिहाजा चूंकि बरसात का समय है, कुछ सीसीटीवी कैमरे जो कल जिनकी डीवीआर खंगाली गई थी वो खराब पड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई सिर्फ एफआईआर तक की है, और ये दावा कर रही है कि आगे तफ्तीश की जाएगी, और अगर चोरों का पता लगता है तो पूरी माल बरामदगी के साथ इस पूरे केस का खुलासा किया जाएगा। शिवा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लखनऊ में इस वक्त नाइट कर्फ्यू लागू है, उस ऐसे में इस तरीके से चोरी की वारदात का सामने आना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर गहरे सवाल खड़े करता है। बिल्कुल अंशिका, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लखनऊ में आते समय अगर जब का लॉकडाउन का जब एक दौर खत्म हुआ और अनलॉक का दौर शुरू हुआ, लखनऊ के अंदर चोरी की बहुत ज्यादा जो वारदातें हैं वो बढ़ती चलेगी, और दिन पर दिन इसमें इजाफा हो रहा है।
फिलहाल लखनऊ पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी तमाम डीसीपीज जो जोन के डीसीपीज हैं उनको ये आदेश दिया है कि जो इलाके की जो गश्त है उसमें शाम से लेकर के भोर सुबह तक उसमें बढ़ोतरी की जाए। जिस तरीके के लोग अगर चिन्हीकरण किए जाते हैं, अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उनकी तलाशी ली जाए, उनको क्रॉस चेक किया जाए कि आखिरकार वो कहाँ से निकले और क्या कर रहे हैं। पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी जरूर है और इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस की मुस्तैदी उस इलाके में कम होगी और इसी के चलते उस वहां पर चोरियां हुई हैं। गोमती नगर विस्तार इलाका ही नहीं, लखनऊ के अलग अलग जगहों में बीते एक हफ्ते में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा चोरियां हुई हैं। तो लखनऊ पुलिस इस वक्त कटघरे में है कि आखिरकार इतनी बड़ी चोरियां जो हुई हैं उसमें खुलासे भी नहीं हुई हैं और ये चोरी लखनऊ गोमती नगर विस्तार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवा इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां गोमती नगर में चोरों ने हाथ साफ किया है। आपको बता दें सिपाही के बंद घर से चोरी की वारदात सामने आई है। आपको बता दें गोमती नगर के खरगापुर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां एक सिपाही के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया है। आपको बता दें कि सिपाही के बंद घर से चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और सोने के गहनों की चोरी की है। गोमती नगर के खरगापुर का ये पूरा मामला है। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर जहां यूपीएसटीएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जहां 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। म्यांमार के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों रोहिंग्या, अवैध रूप से भारत में रह रहे थे ये दोनों अभियुक्त। भारत में तस्करी का भी ये दोनों अभियुक्त काम कर रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं जहां यूपीएसटीएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जहां से 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दोनों रोहिंग्या म्यांमार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, साथ ही ये दोनों अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, भारत में ये तस्करी का काम भी कर रहे थे, जिसके बाद अब यूपीएसटीएफ को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर, तो लखनऊ से इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं जहां गोमती नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। हादसे के वक्त युवक के 2 दोस्त भी वहीं मौजूद थे। युवक को डूबता देख दोनों दोस्त मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने दोस्तों पर आरोप लगाए हैं। चौक थाना क्षेत्र के अशरफाबाद बालदा का था ये मृतक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को भेज दिया है। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां गोमती नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि युवक के 2 दोस्त भी उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। वहीं युवक को डूबता देख दोनों मौके से फरार हो गए। फिलहाल मृतक के परिजनों ने दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लखीमपुर खीरी से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां जिला अस्पताल में खुलेआम वसूली चल रही है। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड से वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मिलीभगत से यह वसूली का खेल चल रहा है। इससे पहले भी कई बार वीडियो इस तरीके से वायरल हो चुके हैं पर कार्यवाही के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लखीमपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है जहाँ स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखी गई है। जहाँ खुलेआम जिला अस्पताल में वसूली का खेल चल रहा है। नमस्कार, तो स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में। खबरों की ओर हम बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल जुलाई में शुरू, सीरम इंस्टीट्यूट करेगा वैक्सीन का ट्रायल। आज से खेला जाएगा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा मुकाबला, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन में होगा मैच। लगातार 4th दिन 70,000 से कम आए कोरोना केस, 24 घंटों में 1,587 लोगों की हुई मौत। नोएडा की सड़कों पर 1 जुलाई से दौड़ेगी ई साइकिल, 62 स्टैंड पर मिलेगी सुविधा। महाराजगंज के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर।
तो चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर की बेकाबू रफ्तार पर अब लगाम लग गई है। लगातार 11वें दिन संक्रमण के नए मामले 1 लाख से कम और लगातार 4थे दिन 70,000 से कम दर्ज किए गए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी घटा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,480 नए कोरोना के सामने आए हैं और 1,587 संक्रमितों की जान चली गई है। बीते दिन 88,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 28,084 एक्टिव केस कम हो गए। इससे पहले बुधवार को 67,208 केस दर्ज किए गए थे। देश में लगातार 36वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 17 जून तक देश भर में 26,89,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 32,59,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक करीब 38,71,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि बीते दिन करीब 19,00,000 कोरोना के सैंपल लिए गए, जिनका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। बता दें कि देश में कोरोना की मृत्यु दर 1.29% तक है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। वहीं एक्टिव केस घटकर 3% से कम हो गए हैं। वहीं कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है और कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है। जबकि बात करें तो दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, एक अच्छी खबर कोरोना को लेकर देखने को मिली है, जहां 4थे दिन 70,000 से कम मामले सामने आए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? अब बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि लगातार, जैसा कि आपने बताया कि भारत तीसरे नंबर पर है, तो कहीं ना कहीं कोरोना के मामले घट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि मौत के आंकड़े इस समय अगर देखे जाए तो भारत में सबसे ज्यादा है। कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, जो कि मौत की रिकवरी नहीं हो पा रही है रेटों की। तो इसमें एक बड़ी समस्या ये भी है कि क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मरीज हैं जो तमाम बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके भी हैं। तो ऐसे में सरकार को तमाम ऐसी चीजों की सुविधाएं दुरुस्त करनी पड़ेंगी, जैसे कि मौतों के आंकड़े कम हो। वहीं देखा जाए तो कुल सक्रिय मामले अगर देश में देखे जाए तो 5 से 6 लाख पूरे देश में मामले हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से बता रहे हैं, जहां अब कोरोना की रफ्तार में कमी आती दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां नेपाल के पहाड़ी इलाकों और भारत के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से नेपाल से बहकर आने वाली महाराजगंज जनपद में लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं गंडक, व्यास और चंदन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जनपद के ठूटी बारी थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हुई। चटिया और लक्ष्मीपुर के बीच का बांध फिर से टूट गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के चलते कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं कई नदियां खतरे के निशान के आसपास हैं। सभी अधिकारियों को निगरानी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां पर आबादी में पानी घुसने की आशंका दिखाई दे रही है, वहां पर नाव और राहत की व्यवस्था को तत्काल कार्यवाही की जा रही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से नेपाल के क्षेत्रों में और हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नेपाल से हमारे यहाँ नदियाँ आती हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। महाओ नाले में 4 जगह टूट देखी गई है तटबंधी इसकी, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में, कृषि वाले क्षेत्रों में अभी फिलहाल पानी भरा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और विष्णुपुरा में 1 जगह, खैरहवा दुबे में 2 जगह और अमहवा में 1 जगह, 4 जगह इसमें टूटा है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी कराएंगे। इसके अलावा जो नारायणी नदी है, जो गंडक में तब्दील हो जाती है हमारे यहाँ, वो उसमें 4 लाख से ज़्यादा क्यूसेक पानी अभी बह रहा है। और इसके अलावा रोहिन नदी में भी हमारे ऑलमोस्ट खतरे के निशान के आसपास पानी आ गया है। और चंदन और प्यासी खतरे के निशान से थोड़े ऊपर बढ़ रही है, जिसके चलते तो इसके आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा जलमग्नता आई है, लेकिन अभी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी नहीं। रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवती से धोखे की खबर सामने आई है। जी हाँ, रामपुर के एक युवक ने सोशल मीडिया के द्वारा एक युवती से दोस्ती की, फिर बाद में मामला सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि लड़की के साथ युवक ने शारीरिक संबंध बनाया। आपको बता दें कि लड़की असम की थी और वो दिल्ली में रह रही थी, जिसके बाद इस तरीके से पूरा मामला सामने आया है।
आपको बता दें कि युवती की मदद के लिए महिला संगठन जो है उन्होंने कार्य किया है। आपको बता दें महिला शक्ति केंद्र आगे आया है और उसी संस्थान के द्वारा युवती की फिलहाल मदद की जा रही है। बातचीत शुरू हुई, बातचीत शुरू होने के बाद मेरे को बुलाया, बुलाने के बाद फिर उसने मेरे को शादी का झांसा देता रहा, पर फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसने शादी के घर पर शादी के बहाने से मेरे को प्रेग्नेंट के ज़रिए उसने मेरे को भेजा घर कि डिलीवरी होने के बाद मेरे से शादी करेगा, पर उसने 9 महीने तक आज तक मेरे को कुछ खबर नहीं ली। मैं वहाँ से उसके ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ और मैं जाने वाली थी, पर इन्होंने बहुत हेल्प करी कैंसर सेंटर में। आसाम की रहने वाली है, इनकी फेसबुक के माध्यम से एक लड़के की दोस्ती हुई जो कि चंडीगढ़ में नाई का काम करता था। दोस्ती के बाद उस लड़के ने इनको चंडीगढ़ बुलाया रहने के लिए साथ में, जहां पर ये उनके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद ये वापस आसाम आ गई। इस बीच लड़के के संपर्क में रही, वो इन्हें शादी का झांसा देता रहा लेकिन शादी नहीं की। इसी दौरान बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद इन्हें पता चला कि लड़का पहले से ही मैरिड है। तो ये उसे खोजते हुए किसी तरह रामपुर स्टेशन पहुंची। रामपुर स्टेशन पहुंचने के बाद ये महिला थाने गई सहायता के लिए, जहां पर सहायता ना पाकर ये वापस लौट ही रही थी कि हमारी महिला शक्ति केंद्र की शाइस्ता जी जो हैं उन्होंने उन्होंने बताया कि युवक ने उनके साथ में शारीरिक शोषण किया है। वहीं युवक ने साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला शक्ति केंद्र ने उनकी मदद की है। फिरोजाबाद में भू माफियाओं के हौसले बुलंद है और भू माफियाओं के खिलाफ सवाल पूछने के लिए मीडिया कर्मी नायब तहसीलदार के पास पहुंचे, लेकिन माफियाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर नायब तहसीलदार ही भड़क गए और उन्होंने पत्रकारों के साथ अभद्रता की। इस मामले में पत्रकारों ने डीएम से मांग की तहसीलदार की गुंडई पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और कार्यवाही की जाए। इसी के साथ माफियाओं पर भी कड़ी कार्यवाही करने की बात कही गई है। कहा जाता है कि माफियाओं ने करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर रखा है, जिसे माफियाओं के कब्जे से निकालने की जरूरत है। तो फिरोजाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां नायब तहसीलदार की गुंडई देखने को मिली है। आपको बता दें कि पत्रकारों ने नायब तहसीलदार के पास पहुंचकर भू माफियाओं की शिकायत की, जिसके बाद उनकी शिकायत पर सुनवाई की बजाय उल्टा नायब तहसीलदार पत्रकारों पर ही भड़क गए। तो फिरोजाबाद में इस वक्त भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लगातार भू माफियाओं के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं जब खबर का संज्ञान लेते हुए पत्रकार कार्यवाही के लिए प्रशासन के पास पहुंचते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही की जगह उल्टा पत्रकारों को ही डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर इस तरीके से पत्रकारों की आवाज को दबाया जाएगा तो ऐसे माफियाओं पर कार्यवाही आखिर कब होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त फिरोजाबाद से सामने आई है, जहां नायब तहसीलदार की खुलेआम गुंडई देखने को मिली है। आपको बता दें कि कुछ पत्रकार भू माफियाओं की शिकायत लेकर नायब तहसीलदार के पास पहुंचे थे, परंतु नायब तहसीलदार ने कार्यवाही की जगह उल्टा पत्रकारों को के साथ अभद्रता की, जिसके बाद पत्रकारों ने सीधे डीएम से मामले में गुहार लगाई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विष्णु, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां नायब तहसीलदार की खुलेआम गुंडई देखने को मिली है, क्या कुछ है ये पूरी मामला? जी अरे, उसका मैं बता दूं कि ये मामला फरिया नगर पंचायत का है, जहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार जब उन सवाल पूछने गए, क्योंकि जो नगर पालिका परिषद की जो उसके अंतर्गत जगह आती है उन पर दबंगों का कब्जा है, भू माफियाओं का कब्जा है, तो उसी को लेकर पत्रकार ने स्थानीय पत्रकार ने जाकर वहाँ अपने प्रश्नों को जैसे ही ओपन किया तो उसी से ही नायब तहसीलदार भड़क गए और उन्होंने उसकी पीठ पर लात मारी। और जो वीडियो वायरल हुआ है उसके जस्ट बाद एक वीडियो भी
ये दिख रहा है वायरल के जिसमें लात मारी है वो उस कदर उनका जूता उसके पेट पर सपा हुआ है। कहीं ना कहीं देखने की बात तो यह है कि अपने उत्तर प्रदेश में जो अपना उत्तर प्रदेश है यहाँ की पत्रकारिता जिस तरीके से स्वतंत्र नहीं है, जो अधिकार है वो पत्रकारों को तो एक तरीके से जी। तो जिस विष्णु बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यहाँ फिरोजाबाद से सामने आई है जहां पर खुलेआम नायब तहसीलदार की गुंडई देखने को मिली है, जहां पर पत्रकारिता का हनन किया जा रहा है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।